कोई गायन, कोई वादन, कोई साहित्य, अलग अलग प्रकार के विधाओं को प्रकट करने का राहगिरी के माध्यम से ये अद्भुत प्रयोग होता है। और खास बात इसमें कि प्रातःकाल ठंड के समय में भी लोग अपना बिस्तर छोड़ करके प्रातःकाल भ्रमण करें, शरीर सौष्ठव की तरफ ध्यान दें। मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं स्वयं आज सम्मिलित हुआ और हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मकर संक्रांति का, महिला सशक्तिकरण का पूरा एक पखवा सप्ताह मनाने की घोषणा की थी। उसी कड़ी में आज विविध प्रकार के आयोजन उज्जैन में हो रहे हैं, जिसमें खास करके हमारे विज्ञान से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों के साथ भी एक कार्यक्रम रखा गया है। एक नई ऑब्जर्वेटरी बनी है डोंगला में, वहाँ एक कार्यक्रम है और अलग अलग कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारे त्यौहार पर्व ये वैज्ञानिकता की कसौटी पे भी खड़े उतरते हैं। ये केवल कर्मकांड की तरह तिथियां नहीं निर्धारित करते हैं और हर एक त्यौहार में कोई ना कोई संदेश छिपा रहता है। जैसे इस त्यौहार में हमारा उत्तरायण का प्रारंभ होता है, रात छोटी होती दिन बड़ा होता है और काल की गणना की दृष्टि से उज्जैन का हजारों साल से विशेष महत्व है। इसलिए महाकाल की नगरी कहा गया, काल की नगरी, महाकाल की नगरी। तो मैं ऐसी नगरी में आकर के निश्चित रूप से आनंदित भी हूँ और सबके प्रति आभार मानता हूँ। मेरी अपनी ओर से बधाई।